नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल देसा एग्रीकल्चर एकेडमी पर। जैसा कि वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर का ये पेपर है, आज एग्जाम कंडक्ट हुआ है और एनिमल हस्बेंड्री का पेपर था, तो टॉप 50 प्रश्नों को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो गाइस, सटीक आंसर की आपके बीच में आ चुकी है, आप सभी लोग वीडियो को शेयर कर दें। साथ ही साथ यह जो अन्य एग्ज़ाम जो आने वाले हैं, जैसे यूपी कैटेट, BHU, ICR और भी कई सारी कम्पिटिटिव एग्रीकल्चर की परीक्षाओं के लिए उपयोगी वीडियो है। सो गाइज, आप सभी वीडियो को शेयर कर दें और सभी लोग क्लास में जुड़ जाइएगा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है सुमित और आप देख रहे हो दिशा एग्रीकल्चर अकेडमी। सो गाइज, फर्स्ट क्वेश्चन आपके मोबाइल की स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रजनन की विधि है? तो प्रजनन की अगर विधियों की बात करें तो बेसिकली टू विधियाँ प्रयोग में लाई जाती हैं, इनब्रीडिंग और आउटब्रीडिंग, ठीक है ना। सो गाइज, इसमें और कुछ होना चाहिए था, प्रश्न में थोड़ी सी इरर है हमारे हिसाब से। निम्नलिखित में से प्रजनन की विधि है तो इनब्रीडिंग, आउटब्रीडिंग और क्रॉस ब्रीडिंग, ये सारी विधियाँ होती हैं और प्राकृतिक विधि होती है। सो गाइज, ये क्वेश्चन थोड़ा डाउटेबल क्वेश्चन है, इसका आप लोग आंसर कमेंट में करना। बाकी टॉप 49 क्वेश्चन को हम वन बाय वन करके देखते हैं वीडियो में, ठीक है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चंस, हाइब्रिड ब्रीड ऑफ काउ इज, गाय की जो हरियाणा नस्ल है, हरियाणा ब्रीड ऑफ काउ इज, जो गाय की हरियाणा नस्ल है वो गाइज कैसी नस्ल है? दुधारू है, दुकाजी है, भारवाई है, इनमें से कोई नहीं। अगर हम दुधारू नस्लों की बात करें तो SS, GD मतलब साहिवाल, सिंधी, गिर और देवनी, ये होती दुधारू नस्लें। तो हमसे पूछा हरियाणा, सो गाइज हरियाणा हुआ, हरियाणा, थारपारकर और कांकरेज। हरियाणा, थारपारकर, कांकरेज, ये दुकाजी नस्लें होती हैं। तो करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर दो का दो, बिल्कुल शानदार उत्तर है। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत आप सभी जवाब दे रहे हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ही कर दें। नेटिव प्लेस मुर्रा बफैलो इस, जो मुर्रा भैंस, इसका जन्म स्थान कहाँ पर? दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश या फिर महाराष्ट्र? क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत। जो मुर्रा गाय है इसका जन्म स्थान गाय दिल्ली माना जाएगा, गुजरात में होता है सूरती का, ठीक है ना। तो करेक्ट जवाब हो जाएगा दिल्ली, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। और मुर्रा जो है ये, इसके कलर जो बॉडी का होता है जेट ब्लैक होता है, मीन्स गहरे काले रंग की भैंस होती है और अच्छी भैंस की नस्ल है, सबसे अच्छी भैंस की नस्ल है। और इसके जो सींग की विशेषता होती है, छल्ले नुमा सींग पाए जाते हैं, छल्ले नुमा, ठीक है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। सो गाइज, गाय में बच्चा देने की क्रिया को क्या कहते हैं? ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। जो हमारी गाय है इसके बच्चा देने की क्रिया को क्या कहते हैं? गाय में बच्चा देने की क्रिया को क्या कहते हैं, बताएं आप सभी लोग। एक्ट ऑफ पास्टुरेशन इन काउ इज नोन एज, गाय में बच्चा देने की आप कहते हैं, गाय हो या फिर हो भैंस, गाय हो या भैंस, उसमें बच्चा देने की क्रिया क्या बोलते हैं गाइस? कॉबिंग बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो बच्चा होगा गाय भैंस का उसको बोलते हैं कब, और बच्चा देने की क्रिया बोलते हैं कॉबिंग। तो कॉबिंग यहाँ पे, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट हो जाएगा। 4 नंबर का चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट है। और बकरी के बच्चे की देने की क्रिया को कहते हैं, बकरी का बच्चा देने की क्रिया को किडिंग, और बकरी के बच्चे को किड कहते हैं। ठीक वैसे ही लैम्ब बोलते हैं भेड़ के बच्चे को, और भेड़ के बच्चे को जन्म देने की क्रिया को बोलते हैं लैम्बिंग। करेक्ट जवाब हो जाएगा 4 का 4, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सुअर के नवजात शिशु को क्या कहते हैं? ऑफ स्प्रिंग ऑफ पिग इज नोन एज, सो गाइज पिगलेट यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो बकरी का बच्चा है बकरी का, उसको बोलते हैं किड, भेड़ के बच्चे को बोलते हैं लैम्ब, और जो कॉफ है, ठीक है, तो पिगलेट यहां पर राइट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एंथ्रेक्स बीमारी का एक कारक है? एंथ्रेक्स, सो गाइज ये बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु के द्वारा यह बीमारी होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहां पे बिल्कुल करेक्ट है, 6 का 3 बिल्कुल सही उत्तर है। सभी लोग वीडियो को शेयर कर दो, क्लास को लाइक कर दो, क्लास को शेयर करिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एग्जोटिक ब्रीड ऑफ काउ इज, गाय की विदेशी नस्ल कौन सी है? करण स्विस गाय की संकर नस्ल है ना कि विदेशी? तो करण स्विस कैसी संकर नस्ल है? देवनी होगी नहीं, थारपारकर होगी नहीं, करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्राउन स्विस।
ब्राउन स्विस गाय का जो जन्म स्थान वो स्विट्जरलैंड है, और ये गाय की विदेशी नस्ल है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ बफेलो इन फाउंड इन इंडिया, भारत में किस प्रकार की जो है भैंस ज़्यादा पाई जाती हैं, बताएं आप सभी लोग, भारत में किस प्रकार की भैंस ज़्यादा पाई जाती हैं, स्वैंप बफेलो है या फिर रिवर बफेलो है या फिर दोनों या फिर कोई नहीं। भारत में किस प्रकार की भैंस पाई जाती हैं? सो गाइस, जो इंडिया है यहाँ पर दोनों प्रकार की भैंस पाई जाती हैं, स्वैंप मतलब दलदली भूमि वाली दलदली भैंस जो दलदल होती हैं, और रिवर मीन्स नदी में नहाने वाली जो बफेलो होती वो भी पाई जाती हैं। तो दोनों यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज वीनिंग, वीनिंग क्या है? गाय के बिना अगर बछड़ों को पाला जाता है, क्या सुना आपने, गाय के बिना अगर बछड़ों को पाला जाता है गाइज, उसको बोलते हैं वीनिंग। तो करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, नौका एक बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच वन इज द कॉजल ऑर्गन ऑफ मैस्टाइटिस, मैस्टाइटिस एक बीमारी है, थनेला एक बीमारी है जो कि पशुओं में लगती है, और इसका संबंध एन प्रभाग से होता, जो एनिमल्स होते हैं पशु होते एन से संबंधित बीमारी है थनेला, अर्थात थन बेकार हो जाता है। यह ऐसा इसलिए होता गलत तरीके से अगर ग्वाला मिल्क की दुहाई करता है, मिल्क का दोहन गलत तरीके से करता है, त्रुटिपूर्ण विधि को अपनाता है, चुटकी उटकी वाली विधि, तो फिर ये बीमारी होने के चांस बढ़ जाते हैं। थनेला बीमारी जीवाणु के द्वारा होती है भाई, किसके द्वारा है, जीवाणु के द्वारा होती है। बहुत ही खूबसूरत शानदार, तो गाइस जीवाणु यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा, जीवाणु यहाँ पे कौन सा उत्तर सही हो जाएगा, जीवाणु यहाँ पे राइट उत्तर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मैटिंग ऑफ रिलेटेड मेल्स एंड फीमेल्स ऑफ सेम ब्रीड इज नोन एज, अगर संबंधित नर व मादा में परस्पर संभोग की क्रिया कराई जाती है तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इनब्रीडिंग। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, खच्चर जो है म्यूल इज एन एग्जाम्पल्स ऑफ क्रॉस ब्रीडिंग, ग्रेडिंग अप, हाइब्रिडाइजेशन एंड आउट क्रॉसिंग। आई थिंक ये आउट क्रॉसिंग का एग्जाम्पल्स होना चाहिए, इसको आप देखेंगे तो करेक्ट जवाब जो भी होगा आप लोग कमेंट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिहॉर्निंग एज ऑफ कॉप, बछड़े में सींग रोदन करने की उम्र क्या है? ये काफ़ी खूबसूरत जवाब है, ये काफ़ी बढ़िया प्रश्न है। 2 से 3 सप्ताह, 4 से 5 सप्ताह, या फिर 3 से 4 सप्ताह, या फिर इनमें से कोई नहीं। जो भी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो आप लोग फटाफट करेक्ट आंसर को टिक करिए, जल्दी आप लोग जवाब करें इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होगा, करेक्ट जवाब दीजिए भाई, अभी किसी का जवाब नहीं आया है, जल्दी से आप लोग जवाब करें इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होगा। सभी लोग वीडियो को शेयर कर दें फटाफट, सभी लोग जो है वीडियो को शेयर कर दें। बछड़े में सींग रोदन करना आपको है ना, सींग रोदन, तो इसके लिए कितनी उम्र होनी चाहिए गाइस? यहां पर जो करेक्ट जवाब हो जाएगा 2 से 3 सप्ताह, 2 से 3 सप्ताह यहां पे करेक्ट आंसर होना चाहिए, 2 से 3 सप्ताह बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जल्दी से आप लोग भी जवाब करते रहिएगा हमारे साथ में है ना, जब हम आपको पढ़ा रहे हैं तो आप भी क्वेश्चंस का जवाब फटाफट देते रहिएगा, और आप लोग शेयर नहीं करते हो भाई, देखो शेयर कर किया करिए वीडियो, शेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शेयर करने से क्या कि अच्छा लगता है हमें पढ़ाने में, और पढ़ने वाले को भी अच्छा लगता है, इसलिए शेयर कर दिया करो वीडियो को है ना। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करिएगा आप लोग,
फटाफट क्लास को शेयर कर दें सभी विद्यार्थी। सिंह रोधन बताइए, आप लोग भी जवाब करते रहिएगा हमारे साथ में, है ना। आप लोग भी जवाब किया करिए साथ साथ में। आप लोग जो है जवाब नहीं देते हो, जवाब दिया करिएगा। सो गाइस, सिंह रोधन का जो टाइम है 2 से 3 सप्ताह बिल्कुल करेक्ट ही होगा। है ना, बिल्कुल यही बात है। वैसे बेसिकली जो टाइम की बात करें हम लोग तो 10 से 15 दिन का होता है, लेकिन 2 से 3 सप्ताह यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर गलाघोटू बीमारी के प्रति संवेदनशील होता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज प्रोन टू हेमोरेजिक सेप्टिसेमिया डिजीज? बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या होगा विद्यार्थियों, जल्दी से जवाब करिए आप लोग। सो गाइज, भैंस यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि बीमारी तो गौ पशुओं में ज्यादा लगती है, लेकिन भैंस में सबसे ज्यादा, भैंस ज्यादा ही संवेदनशील होते हैं गलाघोटू बीमारी के प्रति। और यह बीमारी जीवाणु के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है भाई? जीवाणु के द्वारा होती है। ठीक है, बहुत ही खूबसूरत शानदार उम्दा परफॉर्मेंस के साथ आप सभी लोग जवाब दे रहे हैं, तो इसका करेक्ट जवाब होगा भैंस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अच्छी साइलेज का रंग कैसा होना चाहिए? हरा, बादामी, हल्का बादामी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका चमक हरा चमकदार रंग होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी विधि खराब मौसम में हे बनाने के लिए अपनाई जाती है? कौन सी विधि खराब मौसम में हे बनाने के लिए अपनाई जाती है? बताइएगा इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होगा। भूतल विधि है, फार्म बड़ा विधि है, तिगुड़िया विधि है, पशुशाला की क्षति विधि। खराब मौसम की बात कर रहा हमसे, पशुशाला, डेयरी फार्म, रूफ मेथड होना चाहिए, क्योंकि जब पशुशाला की क्षति विधि होगी तो वहाँ पर क्या है भाई, वहाँ पर पानी आनी नहीं आ पाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्रॉप आर सुटेबल फॉर साइलेज मेकिंग? साइलेज बनाने के लिए कौन सी फसलें ज्यादा उपयुक्त होती हैं? ऐसी फसलें जिसमें कार्बोहाइड्रेट की प्रचुरता पाई जाती है वो साइलेज बनाने के लिए बहुत ही अच्छी होती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बिल्कुल राइट उत्तर है। 3 बिल्कुल करेक्ट जवाब है। ठीक है ना, आ दलहनी फसल होनी चाहिए, जैसे मक्का बाद ज्वार से बनाई जाती है, और कार्बोहाइड्रेट की प्रचुरता भी होनी चाहिए। ये दोनों बातें ही सही हैं, लेकिन हमें क्या सटीक चीज लेनी चाहिए। तो करेक्ट जवाब हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट प्रचुरता वाली फसलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेस टू फेस सिस्टम ऑफ डेयरी फॉर्म इज ऑल्सो नोन एज? मुंह से मुंह पशुशाला की जो विधि है उसको किस नाम से जानते हैं? सो गाइज, फेस इन मेथड के नाम से जानते हैं। करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, चारे जिसमें 18% से ज्यादा कच फाइबर्स की मात्रा होती है और 7% से कम टीडीएन होता है, तो क्या बोलते हैं बताएं आप लोग? देख लो भाई, रेशे की मात्रा कितनी बता रहा है, 18% से। हमने हमेशा पढ़ाया है कि जब रेशे की मात्रा 18% से ज्यादा हो और टीडीएन की मात्रा 60% से कम हो तो वो चारे दाने नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं? वो होते हैं गाइज मोटे चारे, वो होते हैं मोटे चारे। करेक्ट जवाब हो जाएगा मोटे चारे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भोजन के एक अवयव को क्या कहते हैं? खुराक, भोज पदार्थ, भोजन, आहार। सो गाइज, ए सिंगल आर्टिकल ऑफ फूड इज नोन एज डाइट, फीड, फूड, राशंस। उसको बोलेंगे एक अवयव को, खुराक मीन्स डाइट, फीड, फूड, आहार, उसको फूड बोल देंगे, भोजन। भोजन या फिर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, साइलोमेकिंडमन के द्वारा हरे चारे को संचित करना जिससे कि हरे चारे की अनुपलब्धता किस समय प्रयोग में लाया जा सके, क्या कहलाता है? ग्रेन पाउडर प्रिजर्व्ड बाय फर्मेंटेशन इन साइलो फॉर यूज ए सक्कुलेंट पाउडर ड्यूरिंग स्कैरसिटी इज कॉल्ड। सो गाइस, साइलेज यहाँ पर राइट उत्तर हो जाएगा। साइलेज बिल्कुल करेक्ट जवाब है, साइलेज। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बछड़े को बधिया करने का उपयुक्त समय क्या है? व्हाट इज द बेस्ट टाइम फॉर कैस्ट्रेटिंग कॉप?
बछड़े को बधियाकरण करने का उपयुक्त टाइम क्या? ये काफी खूबसूरत क्वेश्चन है। 8 से 10 सप्ताह, 2 सप्ताह, 1 सप्ताह या फिर 3 सप्ताह, बछड़े को बधिया करने की एज क्या है होनी चाहिए, बताइएगा। बहुत ही अच्छा जो क्वेश्चन है ये, और सभी लोग फटाफट के अंदाज में इस प्रश्न का राइट उत्तर करेंगे। सभी लोग जल्दी से आंसर करें, हम आपके आंसर का वेट कर रहे हैं, आप लोग आंसर करिए। बताएं आप लोग, 8 से 10 सप्ताह, 70, 2 सप्ताह, 1 सप्ताह, 3 सप्ताह। इस प्रश्न का आप लोग जवाब करिए, ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और फसेबल क्वेश्चन है, कई विद्यार्थी इस प्रश्न को सही से उत्तर नहीं कर पाते हैं। बताएं आप लोग, बछड़े को बधिया करने की उम्र की बात की गई है। बताएं आप लोग, सो गाइस करेक्ट जवाब हो जाएगा 8 से 10 सप्ताह, 8 से 10 सप्ताह बिल्कुल राइट उत्तर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वर्कशायर नस्ल है भाई किसकी? बकरी, कुक्कुट, सुअर या फिर ऊंट की है गाइस? तो ये एक सुअर की नस्ल होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सुअर में बच्चा देने की क्रिया क्या कहते हैं? सुअर में बच्चा देने की क्रिया गाइस क्या होती है? फरोइंग कहते हैं। बकरी में बच्चा देने की क्रिया कहते हैं किडिंग, और भेड़ में बच्चा देने की क्रिया कहते हैं लैम्बिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का इटावा जिला जन्म स्थान किसका? तो जमुनापारी बकरी का उत्पत्ति स्थान है उत्तर प्रदेश का इटावा जिला। इटावा में भी कौन जगह? चकरनगर, चकरनगर फेमस है इस बकरी के ओरिजिन प्लेस के लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मोहैर किससे प्राप्त होता है? बकरी की नस्ल है जो कि अंगोरा, बकरी की प्राप्त होता, बकरी से प्राप्त होता, और बकरी की जो ब्रीड्स यानी नस्ल है उसका नाम है अंगोरा नस्ल की, बकरी से प्राप्त होता मोहैर। नेक्स्ट है, मटन क्या है? बकरे का मांस है, भेड़ का मांस है, सुअर का मांस या गो मांस? सुगाय जो भेड़ का मांस होता है उसको बोलते हैं मटन, और बकरी के मांस को बोलते हैं चेवन, सुअर के मांस को बोलते हैं पोर्क, और जो हमारी गाय है इसके मांस को बोलते हैं वीप। ये काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चंस है, कई बार हमने इस प्रश्न को कराया है अपनी क्लास में। बकरी की कौन सी नस्ल वर्ष में 2 बार बच्चा देती है? सुगाय बर्बरी देती है वर्ष में 2 बार बच्चा, ठीक है। और बकरी की छोटी नस्ल है और शहरों के लिए सुटेबल नस्ल है ये। नेक्स्ट है, मैटिंग बिटवीन अनरिलेटेड मेल एंड फीमेल्स ऑफ डिफरेंट ब्रीड्स, विभिन्न नस्ल के असंबंधित नर एवं मादा पशुओं में परस्पर सहवास को क्या बोलते हैं? आउटब्रीडिंग, वही प्रजनन करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नेक्स्ट, भैंस के किस नस्ल के दूध में सबसे अधिक वसा होती है? बताएं आप लोग, सो गाइस भदावरी में जो है 8 से 13% वसा होती है, और भैंसों की सबसे छोटी नस्ल भी यही है। इस भैंस का जो बॉडी का रंग होता है वो तांबे जैसा होता है, और आगरा मथुरा के आसपास एरिया में यह भैंस पाई जाती है, ठीक है। नीली आंखों वाली भैंस कौन सी है? नीली राबी है। मुर्रा के जलेबी के आकार के, जलेबी के आकार के सिंह किस भैंस के होते हैं? छल्ले के आकार के सिंह मुर्रा के हैं। और मेहसाना में जो है, महसाना में गाय जो है क्या बोले, दराती के आकार के सिंह होते, क्या? दराती के आकार के सिंह होते महसाना में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉग सिटिंग पोस्टियर इन प्रिंसिपल सिम्टम्स ऑफ एंथ्रेक्स है, गला घोटू है, दुग्ध ज्वर है, थनेला है। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, डॉग सिटिंग पोस्टर ये फीचर किसका है? हमारे हिसाब से गला घोटू होना चाहिए, जो घोर घोर की आवाज़ आती है, डॉग सिटिंग, देख सकते हो आप इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
दुग्ध दोहन की विधियां हैं भाई कौन कौन सी, ये दोनों विधियां प्रयोग में लाई जाती है। करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यहाँ पे करेक्ट है। अगर हमसे पूछता दुग्ध दोहन की सबसे अच्छी विधि तो पूर्ण हस्त विधि, ठीक है। नेक्स्ट, बॉस इंडिकस किसका वैज्ञानिक नाम, तो गाय का है, और गाय में भी किस गाय का, देसी गाय का, जबकि विदेशी का होता बॉस टाइरस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अच्छी साइलेज के रंग का अच्छी साइलेज होती है उसका पीएच मान क्या होना चाहिए, ताकि हम जान सकें अच्छी साइलेज है, तो 4.2 से 4.5 यानी 4.2 से 4.5 पीएच वाली जो साइलेज है अच्छी साइलेज मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उत्पादन के आहार के रूप में गाय को दिया जाने वाले दाना, तो गाय के प्रति 3 किलोग्राम दूध पर जो है 1 किलोग्राम दाना दिया जाता है, तो करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जबकि भैंस के 2.5 किलोग्राम दूध पर जो है 1 किलोग्राम दाना दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हे में नमी की मात्रा होनी चाहिए कितने परसेंट होनी चाहिए, सो गाइस 15 से 20% ही यहाँ पे करेक्ट होगा इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग, और हे में ड्राई मैटर यानी सूक्ष्म पदार्थ होना चाहिए 90% से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस गौशाला पद्धति में एक जानवर से दूसरे जानवर में रोग नहीं फैलता है, मतलब इस प्रकार से पशुओं को उबाने ताकि संक्रमण द्वारा बीमारी एक पशु से दूसरे पशु में ना फैले, अगर फेस इन मेथड रखेंगे, मुंह से मुंह वाली विधि रखेंगे तो बीमारी फैल जाएगी, साथ साथ में खाएंगे सांस का आवागमन होगा, इसलिए फेस आउट पद्धति यहां पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बकरी की कौन सी नस्ल है जो मांस वाली है, भाई ब्लैक बंगाल करेक्ट जवाब हो जाएगा, और इसी बकरी के दूध में फैट की मात्रा सबसे ज्यादा है जो कि 5.5% होती है। नेक्स्ट, 1500 से 2500 लीटर अगर प्रतिमाह कोई पशु कोई गाय दूध देती है तो उसको किस कैटेगरी में रखा जाएगा, वो दुधारू नस्ल मानी जाएगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट, एक जानवर को 24 घंटे में जो राशन जो चारा दाना दिया जाता है, एक जानवर को 24 घंटे में जो चारा दाना दिया जाता है तो क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं गाइज आहार बोलते हैं, ठीक है ना। आहार बोलेंगे कि संतुलित आहार बोलेंगे, आहार ही बोलेंगे, ठीक है ना, आहार राशन बोलेंगे उसको। नेक्स्ट, हॉग शब्द प्रयोग करते हैं, जो बधिया कृत नर सुअर होते हैं उसको हॉग बोलते हैं, कैस्टेटेड मेल पिग इज नोन एज हॉग। नेक्स्ट, 310 दिन का जो गर्भकाल है वो किस पशु का है, तो भैंस का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दरांती के आकार के सिंह किस भैंस में पाए जाते हैं, तो भैंस की मेहसाना नस्ल में, जो कि पशुओं क्या कि भैंस की संकर नस्ल भी है, ये संकर नस्ल जो कि मुर्रा इंटू सूरती क्रॉस से बनी हुई है। नेक्स्ट, जबकि सूरती में हसिया के आकार के सिंह होते हैं। 44 नंबर प्रश्न है कि एक 400 किलोग्राम शरीर वाले वाली गाय को सूक्ष्म पदार्थ देना चाहिए, गाय के अगर 100 किलोग्राम बॉडी वेट है तो उस पर सूक्ष्म पदार्थ अपन लोग कितना देते भाई, 2.5 किलोग्राम, इस प्रकार से कुल वजन कितना है 400 है ना, जब 100 पर 2.5 किलोग्राम भैया है तो अब 400 पर कितना हो जाएगा, 25 चौके 100 यानी 10 किलोग्राम है, फिर करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूं के भूसे में सूक्ष्म पदार्थ यानी जो मात्रा है ड्राई मटर को कितनी होनी चाहिए, 90% होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बकरी की सबसे बड़ी भारतीय नस्ल कौन सी, जखराना, यहाँ पे करेक्ट जवाब होगा जखराना। नेक्स्ट है, द ड्राई फोडर ग्रेन इन कलर हैविंग लेस देन 18% मॉइस्चर इज नॉन एज, सो गाइस उसको हे बोलते हैं, जिसमें भी नमी की मात्रा 18% से कम है उस चारे को हे ही बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, मॉन्टगोमरी गाय किस गाय का जन्म स्थान है, तो साहिबाल का है, पाकिस्तान का मॉन्टगोमरी जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिदिन 15 लीटर दूध उत्पादन करने वाली एक भैंस को कितना भाई दाना देना चाहिए, तो भैंस के 2.5 किलोग्राम पर अपन लोग दाना देते हैं 1 किलोग्राम, है ना, 2.5 लीटर दूध पर देते हैं, लेकिन दूध कितना है भैया 15 लीटर है, तो देख सकते हो आप कितना दाना पड़ जाएगा, है ना, कितना पड़ जाएगा भाई, एक बार अपन लोग देख लेते हैं इसको निकाल करके, तो ये कितना निकल के आएगा, 2.5 पे 1 है, 5 पे 2 है ना, 10 पे 4 है, देखो 2.5 पे 1 हुआ, 5 करेंगे तो 2 हो जाएगा, 10 करेंगे तो 4, 15 पे 6 किलोग्राम इनसे चाहिए, 6 किलोग्राम चाहिए,
भाई ढाई पे कितना दे रहे हैं हम, एक दे रहे हैं, है ना। अब जो है देखो, अब जो है अब हमें कितना 15 लीटर कितना देंगे ये इसको मान लो एक्स, है ना। तो 25, तो कुल मिला के गाइस यही समझो आप 6 किलोग्राम यहाँ पे लगेगा, क्योंकि ढाई पे एक है, 5 पे 2 हुआ, है ना, 7.5 पे 3 और 10 पे 4, 12.5 पे 5 और 15 पे 6 किलोग्राम, 6 किलोग्राम करेक्ट का आंसर है। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चंस। जब एक ही वंश के जानवरों के समूह जिसके अधिकतर गुण एक जैसे दिखाई देते हैं, विशेषताएं आकार सब कुछ एक हो, से क्या बोलते हैं। सो गाइस स्पीशीज, ब्रीड, जेनेरा, इनमें से कोई नहीं, एक ही जाति स्पीशीज बोलेंगे, स्पीशीज ही होना चाहिए हमारे हिसाब से, आप लोग देख लेना। वंश और स्पीशीज देख सकते हो, इस प्रश्न का डाउट में आंसर है वंश भी होने के चांस है, वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इतने तो क्वेश्चन थे, ये 50 क्वेश्चन थे जो कि वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर में आज पेपर पूछा गया था। आई होप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो आपको पसंद आई होगी, सभी लोग वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।